नॉर्मली आजकल लाइफ बहुत टफ चल रही है, अब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जिम जा सके रेगुलर जो है, तो इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक फिट बॉडी मिले तो थोड़ा बहुत शेड्यूल आपको अपना ऐसा बनाना पड़ेगा कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकें। जैसे कि सुबह आप उठ रहे हैं तो, या आप सुबह उठ रहे हैं या रात को सोने से पहले आप वॉक कर सकते हैं, आप अपने घर में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आप रोप जंपिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, अपनी डाइट पे आप बहुत चेक रख सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। नॉर्मली जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं उसको कम कर लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में थोड़े बढ़ाने चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, फैट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बर्न ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कंज्यूम अगर ज़्यादा करेंगे तो वो एक जगह पे आके जमा हो जाएगा बॉडी में। उठने और सोने का टाइम जो है इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर सही समय रखेंगे तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स जैसे हमारे पूर्वजों के हिसाब से हमारी जेनेटिक्स में जीन्स में सेट है कि वो सुबह जल्दी उठते थे जल्दी सोते थे, उनके खाने का टाइम सेट था, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी एक वर्क कर रही होती है, हम उसके करीब अपने को रखेंगे तो हम फिटनेस से करीब रह सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जिम जाए बिना बिल्कुल फिट हो जाएंगे, लेकिन आप अगर थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर लेंगे और जो है अपनी डाइट पर थोड़ा चेक रखेंगे तो आप फिटनेस के करीब रह सकते हैं। आपका जो नॉर्मली ये होता है कि आप अनहेल्दी हो गए, आपके पेट बहुत ज़्यादा आ गया या फ्लैप्स लटक गए, ये आपके अपने ऊपर होता है। जो जिम नहीं जाते हैं वो भी अपने को फिट रखते हैं अपने अपनी मेहनत से। बहुत से लोग जिम्स में आते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपने गाल का फैट कम करना है, या हमें अपने पेट का फैट कम करना है, या हमें अपनी थाई का फैट कम करना है, आर्म्स का फैट कम करना है। तो मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई भी चीज़ वर्कआउट में नहीं होती है। हम सिर्फ एक जगह का अपनी बॉडी से फैट बर्न नहीं कर सकते, हमारी बॉडी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। सिर्फ पेट कम करना हो किसी को, या सिर्फ थाई का फैट कम करना हो, या सिर्फ गाल कम करना हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक जगह का फैट कम करे। फैट हमारा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस से कम होता है, जैसे कार्डियो हो गया, ट्रेडमिल हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, तो लेकिन ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपकी पूरी बॉडी का फैट एक संग जलाती हैं, एक संग बर्न करती हैं। किसी भी जगह पे कि कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि वो स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा तो वो बिल्कुल मिथ है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पूरी बॉडी का फैट एक संग बर्न हो सकता है, किसी भी एक पार्ट का बर्न नहीं हो सकता है।